अब यार देखो, हम आए थे पावर प्लांट में बंदों की तलाश में, यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं मिलता। तभी गन वगैरह लेके मैं यहाँ पर आता हूँ लूट वगैरह करके, और सामने एक बंदा दिखता है और M4 तो होती है लेकिन मेरे पास स्कोप नहीं होता, इसीलिए मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन कवर में चला जाता है, मार नहीं पाता। तो तभी पास से ही मुझे गन साउंड आते हैं और एक बंदा एक पॉप को मारता है और उस पर मैं रश कर देता हूँ। और देखो तुम लोग, अब इस बंदे को इससे पहले कि मैं मारता ये कवर में चला गया था, और उससे पहले कि मैं इस पर रश करता तभी पीछे एक बोट आ जाता है। अब इसने शुरू में फायर तो ऐसे किया था जैसे कोई बंदा हो। अब इस बंदे पर जैसे ही मैं देखो यहाँ से रश करता हूँ तो ये भी थोड़ा चालाक होता है, घूम फिर के इधर को आ जाता है, तभी मैं भी वहीं पहुँच जाता हूँ। और देखो फड़ जाता है। अब इसको मारकर मैं जैसे ही लूट करता हूँ तभी इसका टीममेट आता है। और ये भी भरा जाता है। अब मैं यहाँ पर लूट वगैरह करके मुझे 6x स्कोप वगैरह सब मिल जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पे दोबारा देखता हूँ जहाँ मुझे बंदा दिखा था। लेकिन यहाँ पर इस बार मेरे पास स्कोप था लेकिन सामने बंदा नहीं था। और तभी जैसे ही मैं निकलने वाला था यहाँ से, देखो तुम इस बंदे को, इसको लग रहा था कि इसको पूरी दुनिया नहीं देख पाएगी, लेकिन इसको क्या पता भाई। तभी टीममेट को रेड जोन नॉक कर देता है। देखो टीममेट को लगा देके हम आगे साइड जाते हैं और वहाँ पे यार देखो हमें गन साउंड आते हैं, इसीलिए हम इस तरफ जाते हैं। और भाई सामने दो बंदे और भाई ये इनमें से एक तो देखो दूसरा बंदा जो नाक में दम करने वाला है ना, वो तुम खुद देखना। सबसे पहले मैं कवर में गया क्योंकि मुझे नहीं पता था वहाँ पर कितने बंदे हैं। देखो इस बंदे को टीममेट ने नॉक किया और मैंने किल कंफर्म कर दिया उसका। तभी ये डो और से डो मैच था तो इसीलिए मुझे पता था कि सामने अगर इसका टीममेट होगा तो एक ही होगा, तो इसीलिए हम लोग रश कर देते हैं इस पर। अब मुझे पक्का लग रहा था कि वो इसी घर में होगा, इसीलिए टीममेट भी जाके उस पर ग्रेनेड कर देता है और मैं भी एक ग्रेनेड कर देता हूँ। लेकिन वो देखो यार ग्रेनेड से भी नहीं फूटता और मैं इस पूरे घर में घूम लेता हूँ वो तब भी नहीं मिलता, और तुम लोग खुद देख के बताना वो कहाँ मिलेगा। दूसरी बात भाई ये बंदा ऐसा था, कितना बड़ा कैंपर था कि इसने फुट साउंड भी नहीं दिया बिल्कुल भी। अब मैं देखो यहाँ पे ऊपर आया, देख लिया ना मैंने सब जगह, मिला कहीं पे क्या ही डैमेज पड़ा मुझे। अब मुझे पता तो चल चुका था ये बंदा इसी घर में, तभी एक के फुट साउंड आए, मुझे लगा उसी बंदे के फुट साउंड है जिसने मुझे डैमेज किया, लेकिन ये बॉट था। अब इस बोट को मार के मैं सामने वाले घर की तरफ जाता हूँ, वहाँ से ये बंदा स्पॉट हो, लेकिन ये यहाँ से भी स्पॉट नहीं होगा। तो खैर थोड़ी देर वेट करने के बाद देखता हूँ मैं, टीममेट जा रहा है घर पे, तो मैं सोचता हूँ यार अगर ये बंदा टीममेट को नॉक कर दे तो, या फिर उसको डैमेज दे तो लोकेशन पता चल जाएगी मुझे उसकी, क्योंकि एक ना एक बंदे को तो ये डैमेज देगा या नॉक करेगा। और देखो होता भी ऐसा ही है। Like that, they still continue. यहाँ पर ये फायर किया जा रहा था और देखो मैं दोबारा देख के आया इधर, मुझे यहाँ पे लग रहा था कि ये हैकर है लेकिन भाई ये हैकर नहीं कैंपर था। तब ये टीममेट को नॉक करता है
और अचानक से मैं अंदर चला जाता हूँ वैसे ही, और तभी देखो यार तुम कहाँ था ये बंदा। भाई मुझे खुद हंसी आ रही थी इस पे नहीं अपने ऊपर। मैं 2 से 3 बार यहाँ से देख के चला गया लेकिन ये बंदा नहीं दिखा मुझे। तभी यहाँ पर आकर हम गाड़ी लेते हैं और जैसे हम सामने की तरफ जाते हैं तभी सामने से पता चलता है कि कुछ बंदे हैं सामने, और मैं वहीं पर ले जा कर ठोक देता हूँ गाड़ी, और गिली सूट में ही मुझे बंदा स्पॉट हो जाता है। अब कुछ देर यहाँ पर कवर लेके मैंने बंदों को स्पॉट करने की कोशिश की क्योंकि सामने से गन साउंड आ रहे थे, लेकिन बंदे स्पॉट नहीं हुए यहाँ से। तो इसीलिए मैं अपने टीममेट को लेके सामने वाले जो 2 घर बने हुए हैं उनमें से एक एक में हम दोनों चले जाते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे आगे क्या करता हूँ, मैं फुल बूस्ट कर लेता हूँ। मेरी तरफ से आपके लिए भी यही टिप है कि अगर लास्ट जोन हो तो भाई पक्का फुल बूस्ट कर लो, क्योंकि भाई देखो कभी कभी ऐसा होता है सर्कल ख़त्म हो जाता है, बंदा नहीं दिखता है, या फिर अगर तुम लोग डैमेज हो बंदे से थोड़ा सा भाग रहे हो तो तब तक तुम्हारी हेल्थ थोड़ी सी रिस्टोर हो जाती है जब तुम्हारा फुल बूस्ट होता है तो। और भाई ये लास्ट में तुम इन बूस्ट का करोगे भी क्या, तो इससे अच्छा यूज़ ही कर लो। और देखो यार तुम्हें इस वीडियो में इस बूस्ट को यूज़ करने का फ़ायदा भी दिखाऊँगा मैं, लेकिन इससे पहले देखो यहाँ से गाड़ी लेके मैं आगे वाले बंदों पर रश करने जा रहा था तभी एक बंदा दिखता है मुझे। वो तो ये अच्छा हुआ यहाँ पास में कवर था। लेकिन यार ये मेरी गाड़ी की वाट लगा देता है। अब यहाँ से मैं मेडिकेट लगा के आगे जाता हूँ तभी टीममेट बोलता है सामने एक बंदा दिखा मुझे। अब यार देखो सामने से एक बंदा दिखा, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि सामने दोनों बंदे हैं, ये दोनों थे एक ही टीम से मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन ये दोनों एक टीम से नहीं थे। अब तुम देखना सामने वाला बंदा मतलब जो पीछे एक और बंदा है उसका मुझे ध्यान नहीं था, लेकिन ध्यान जब आया जब उसने टीममेट को नॉक फिनिश कर दिया वो भी ग्रोज़ा से, और जब मुझे पता चला उसके पास ग्रोज़ा है तो भाई मैंने रश नहीं किया उस पर, देखो क्या किया। बंदों को मैंने बाहर से डैमेज देने की कोशिश की, और देखो ये डैमेज भी होगा, और ये मे भी शायद ये थोड़ा सा और तभी मैंने रश कर दिया। और भाई क्योंकि भाई बंदे के हाथ में जब ग्रोज़ा होती है तो वो एक दो हेड अगर रख दे ना आपके हेड पे, एक दो एम गोली का अगर आपके हेड पे रख दे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ग्रोज़ा है ही इतनी खतरनाक पावरफुल गन। अब देखो यहाँ पर मैं मेडिकेट लगा था, उससे पहले ही मुझे दिखा कि मेरा बूस्ट अच्छा खासा है, तो इसीलिए देखो थोड़ी सी हेल्थ वैसे ही बढ़ गई मेरी। तो मैं मेडिकेट छोड़ के उस बंदे पर रश कर देता हूँ क्योंकि वो लास्ट बंदा था और जोन आ रहा था और वो भी कर सकता था। और देखो जो हेल्थ मेरी रिस्टोर हुई थी बूस्ट से वही हेल्थ बची है यहाँ पर, वरना वो बंदा मुझको भर सकता था। तो भाई इसीलिए हो चुका है हमारा चिकन डिनर। तो आई होप आपको ये गेम पसंद आया होगा, यार पसंद आया होगा तो भाई लाइक कर देना, चैनल पे नहीं होता सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे कर देना, और भाई भाई का चैनल सपोर्ट करना चाहते हो तो भाई शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा एंड टेक केयर।